लोग सन 2012 से 108 एम्बुलेंस में नौकरी कर रहे हैं और आज 9वां साल चल रहा है। हम लोगों ने हर आपदा में सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चले हुए हैं और आज कंपनी जो है कि एलएस हमारे एक इकाई एलएस एम्बुलेंस है जो कि प्रदेश भर में 250 एम्बुलेंस संचालित कर रही है हो रही है और इसको जो है कि जीबीके अभी तक जो चला रही थी ये सुचारू रूप से जीबीके चला रही थी, अब इसको इससे हटा करके एक भ्रष्ट कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के हमारे उठा करके वो ठेका जो है चिकित्सा हेल्थ केयर को दे दिए, जबकि उन्होंने राजस्थान में काम किया है चिकित्सा ने, वहाँ भी ब्लैक लिस्टेड रही है और छत्तीसगढ़ में काम किया है वहाँ भी जो है कि एमपी में भी इन्होंने बहुत लंबा घोटाला किया हुआ है, ब्लैक लिस्टेड है, इनको ठेका देने के लिए जो है बिल्कुल बांड लगा हुआ है, फिर भी ना जाने किस बेस पर चिकित्सा हेल्थ केयर को ठेका दे दिया गया है। अब वो चिकित्सा हेल्थ केयर एम्बुलेंस 250 एम्बुलेंस को हायर कर रहा है और हमारे पुराने कर्मचारियों को नहीं ले रहा है, बाहर का रास्ता निकाल दे रहा है, बाहर का रास्ता दिखा दे रहा है और आज जो है कि 1000 एम्बुलेंस कर्मचारी हमारे जो है कि भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, जिसका कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम उनकी जो है कि नौकरी सुरक्षित के लिए उनकी नौकरी सुरक्षित किया जाए, हमारा जो है कि हम सबका भविष्य अधर में है, जो कि एक ठेका प्रथा के अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं, हमको NHM में विलय किया जाए, हम लोगों को ठेका प्रथा से मुक्ति दिलाई जाए, हमारी प्रमुख मांगे यही हैं। हम लोग 23 जुलाई से शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, प्रदेश सरकार को अवगत करा करके हम लोग 3 दिन का अल्टीमेटम दिए थे, काली पट्टी बांध के, अभी काली पट्टी बंधी हुई है कि हम लोगों की ये मांगे हैं, हम लोगों की नौकरी सुरक्षित किया जाए, हम लोगों को वेतन सही से दिया जाए, समान कार्य का समान वेतन, कुछ प्रमुख मांगे जो कि पीछे लिखी हुई है हमारे बोर्ड पे। तो अब जो है कि कंपनी ये काम नहीं कर रही, वो कर रही, अभी हम लोग 13,700 रुपये पा रहे थे एलएस वाले और अब कंपनी मात्र चिकित्सा वाले कह रहे हैं कि हम 10,700 में वही काम करवाएंगे, आप करिए। अब ये बताइए ये कहाँ का न्याय है कि जो है कि हम लोग 13,700 पा रहे थे, अब वापस हम लोग बैक आए, जबकि आज की वर्तमान स्थिति यह है हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही, इस हिसाब से हम लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए, लेकिन अब हम लोगों को माइनस किया जा रहा है और हम लोगों को लिया भी नहीं जा रहा है। इसके बाद हम लोगों से 20,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी मांगा जा रहा है। मेरा नाम संतोष कुमार भारतीय, प्रयागराज से।